हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? एसके रिपेयरिंग चैनल में आपका स्वागत है। रिपेयरिंग विद एसके है मेरे चैनल का नाम। ये देखिए, पंखा आया है, ये जाम है, मूवमेंट नहीं कर रहा ना इधर ना उधर। कस्टमर बोल रहा था कि ये पानी में भीग गया था, तो हम इसको देखेंगे। ये देखिए, मूव नहीं कर रहा है इधर भी। हम इसको देखेंगे क्या दिक्कत है इसमें। काफ़ी दिन से पड़ा हुआ था और जाम तो है ही है। और कह रहा था कि पहले चलता था, स्पीड कम थी, तब हमने उतार के रख दिया था। तो जो भी फॉल्ट है इसमें चेक करेंगे। फिलहाल हम इसको खोलते हैं, थोड़ा साफ़ करते हैं पहले। ये देखिए, थोड़ा साफ़ करेंगे। ये देखिए, इस पे ना ये जो सफ़ेद सफ़ेद कलर का आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सारा ये पानी में भीगा हुआ है। पानी का जंग है वो, वाइट वाइट कलर का जो जो नमक सा लग जाता है नहीं, वो वाला है ये। तो खोलेंगे पहले इसके पेंच को, ये ऊपर से इसका सॉकेट खोल लेंगे और इसकी कंटिन्यूटी भी चेक करेंगे कि फूका तो नहीं है या क्या प्रॉब्लम है, उसको सही से देखेंगे। ये देखिए, सॉकेट हम अलग कर रहे हैं, सॉकेट अलग कर दिया है। स्टैंड नहीं ले बेटा, ये देखिए सॉकेट में भी स्टैंड नहीं, जंग लगा हुआ लाइव है हो रही, इसके बहुत जहाँ पे बड़ा पेंच है। कसा हुआ था उसके अंदर हाँ काफ़ी जंग लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और सर, अब ये समझ लो सीज़न चालू हो गया तो पंखे आना चालू हो जाएंगे, ये नॉर्मल सी बात है। अब ये मेरे पास आज दो पंखे आए हैं और दोनों की वीडियो आपको मिलेगी। दोनों में अलग अलग फॉल्ट था और इस पंखे में एक सीक्रेट ट्रिक जो मैं काफ़ी दिन से यूज़ कर रहा था और आज भी मैं वही ट्रिक अपनी यूज़ करता हूँ। उसमें कुछ नया नहीं है, कुछ थोड़ा सा मतलब सीक्रेट है, क्या पता कुछ लोगों को पता भी हो, ऐसा कुछ नहीं है। कोई मैं कोई भगवान नहीं हूँ जो मैं ऐसी चीज़ जानता हूँ, कोई नहीं जानता, ऐसा कुछ नहीं। रिपेयरिंग में सर ये देखिए कि इसमें हमेशा पूरी उम्र आदमी काम सीखता ही रहता है, क्योंकि हर रोज़ नई नई चीज़ें आती हैं और कुछ चीज़ें आदमी एक्सपीरियंस करते करते भी सीख जाता है। ये देखिए, इसकी लीडें दोनों बोल रही हैं, मतलब जो ये अंदर से कनेक्शन निकल के आते हैं, तीन तार के होते हैं, चार तार के भी होते हैं। तो तीन तारों में दो तारों को एक जगह मिला दिया जाता है और दो तार कंडेंसर के लिए छोड़ जाते हैं। ये इसके कंटिन्यूटी तो सही बोल रही है, बाकी देखते हैं इसको खोल के। ये जो देख रहे हैं आप, इसमें ये जो हमने बताया था आपको, ये पूरा इसमें पानी गया हुआ था। ये देखिए, हमने इसको साफ भी किया है और अंदर से भी साफ़ कर देंगे अच्छे से, पूरा रिपेयर करके। आपने थंबनेल में देखा होगा, पूरा नया करके दिया मैंने कस्टमर खुश हो गया और उसने मेरे को जितने मैंने पैसे मांगे थे उतने पैसे हंस के दे गया मुझे। कोई दिक्कत नहीं सर, कस्टमर खुश होना चाहिए, उसी में हमारी खुशी है। जब कस्टमर खुश होगा तो हमारे पास बार बार आएगा। क्या पैसे का कोई रोल थोड़ा कम कर लीजिए, कभी थोड़ा ज़्यादा कर लीजिए, वो तो ये है। क्योंकि इसमें कोई वो तो है नहीं कि भाई फलाना आदमी इतने में कोई स्पेयर पार्ट बेच रहा है और आप इतने में बेच रहे हो, तो कस्टमर को दिक्कत है। रिपेयरिंग का सर कोई चार्ज नहीं होता, वो अपनी मर्जी से आप जितना भी चार्ज ले सकते हैं, लेकिन इतना भी नहीं लेना, गलत नहीं किसी के साथ करना। हमें अपना एक ऐसा रास्ता चुनना है कि मतलब कोई हमें गलत ना कह सके कि भाई उसने तो मुझे लूट लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए सर। किसी का भी आप काम करते हैं, कहीं भी आप काम करें, लेकिन ऐसा ना करें कि उसने लूट लिया। हाँ, कुछ टाइप के कस्टमर होते हैं ऐसे जो आपको पैसे ही नहीं देते हैं। ये देखिए, ये पंखे खोलने की ट्रिक एक ये भी है कि बिना हथौड़ी मारे पंखा खुल जाता है। ऐसे करके दो साइड से पेचकस लगाइए और पंखे का ये ऊपर वाला कैप ये बाहर हो जाएगा। ये ऊपर वाला जो है, ये देखिए, ये ऊपर वाला बाहर हो गया। इसमें ग्रीसिंग भी करवा के उसने चलाया था, लेकिन ये स्पीड नहीं दे रहा था। इसमें बैरिंग में ग्रीसिंग हुई है, ऊपर वाला बैरिंग जाम हो गया। मुझे लग रहा है कि पानी जाने की वजह से ग्रीस खराब हो गया, तभी वो जाम हो गया है। ठीक है सर, बाकी ये कॉपर में है पंखा, कोई दिक्कत नहीं, कंपनी का पंखा है। ये स्प्रिंग इसका इधर रखते हैं और इसको बाहर करते हैं। देखिए सर, ये आसानी से ही हल्का सा ठोक के ही बाहर निकल आया, कोई दिक्कत नहीं। और ये देखिए, ये इसकी जो है ये वाशर एक कटी हुई है, जो कि इस ऊपर वाला जो ये इसका होता है कैप, ये इसको नीचे बैठाल देती है। ये हम आपको करके दिखाएंगे आगे वीडियो में, इसमें प्रॉब्लम क्या है एक्चुअल। बाकी और देखते हैं कि ये बैरिंग क्यों जाम है,
क्या दिक्कत थी? अरे ये तो चल ही नहीं रहा, ये है, ये पूरी तरीके से जाम है, ये W40 मैंने डाल दिया, असल में मेरा ख़त्म हो गया भाई। मैं तो जुगाड़ बना के चलाता हूँ, थोड़ा सा इसमें बचा हुआ तो प्रेशर नहीं मारता, मैंने उसको ढक्कन खोल लिया है, देखे मैंने भर दिया है, लेकिन ये कहीं भी नहीं, ये घूम ही नहीं रहा भाई, ये तो बहुत ही टाइट है। चलो देखते हैं, इसको निकालते हैं पहले, थोड़ा इसमें से ना ये जो कचड़ा भरा हुआ है, मतलब ग्रीस जो सूख के पानी से ख़राब हो गया है, उसको निकाल के कोशिश करते हैं। शायद ये देखिए बहुत कचड़ा निकल रहा है, शायद वो बैरिंग तो ठीक है, क्योंकि बैरिंग में कोई दिक्कत नहीं, तो हम बदलें क्यों, हम सोच रहे हैं ऐसे खुल के ये साफ़ हो जाए तो अच्छा रहेगा, कस्टमर के भी कुछ पैसे बच जाएंगे, हमें तो मेहनत मिलेगी। अरे बैरिंग डालेंगे तो मान के चलो 130 रुपये ले लेंगे, और नहीं भी डालेंगे तो 80 रुपये तो तब भी दे ही देगा, क्योंकि पूरे फैन की हम सर्विस कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ये टूल होता है, ये देखिए सर, ये बैरिंग निकालने के लिए पुलर बोलते हैं इसको, एक ये एक साइड से 62-01 और एक साइड से 62-02 बैरिंग निकलती हैं, ये इसी के लिए स्पेशल होता है और मार्केट में बहुत ही सस्ता मिलता है, ये हमारे यहाँ पे लगभग 100 से 120 रुपये का मिलता है, आपके वहाँ कोई भी रेट हो, अगर आपको चाहिए उसकी जगह भी मैं बता दूंगा कहाँ पे मिलेगा, ठीक है जी। ये देखिए इसका नट ढीला करके ऐसे और 6202 की तरफ से हम फंसा के देख लेंगे, हाँ यही है, सही है। तो अब हम इसमें अच्छे से ये पत्ती अंदर जाती है इसके बीचों बीच, और इसमें एक यहाँ पे जो जो छेद दिख रहा है इधर, इसमें ये पिन लगाएंगे ऊपर से, एक ये पिन लगाएंगे तभी ये टाइट होगा अच्छे से। ये छेद इसका सही से नहीं मिल रहा था तो मैंने मिला लिया, अब ये छेद अच्छे से दिख रहा है, अब मैं इसमें पिन डालूँगा। अभी थोड़ा साइड है वो, मुझे लग रहा है साइड होके थोड़ा सा, अब ये देखिए पिन मेरी चली गई। अब इनको ना दो, एक तो नीचे आपके पास वो हो गया और एक ये ऊपर, इनको अपोजिट दिशा में घुमाना है, नीचे वाले को कसना ऊपर वाले को वहीं, या तो एक को रोक के रखो एक को कसते रहो, बस वो बैरिंग आपकी निकल आएगी। ये देखिए बैरिंग कुछ ढीली हुई है मुझे लग रहा है, लेकिन नहीं वो शायद अभी अब जाके बैरिंग में वो फंसा है, पहले ऊपर वाले टापे में फंसा हुआ था। ये देखिए अब टाइट करेंगे इसको, और जैसे ही टाइट होगा ना वैसे ही बैरिंग बहुत ही प्यार से निकल आता है सर। कई लोग होते हैं बैरिंग निकालने के चक्कर में ऊपर का ये टापा तोड़ देते हैं, और टापा टूटने के बाद फिर बहुत ही मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आपकी लड़ाई भी हो सकती है कस्टमर से कि भाई तूने मेरा नुकसान कर दिया, अब उसकी भरपाई कर कीजिए। ये पुलर ले लीजिए आराम से, 100-150 रुपये का मिल जाएगा, आराम से निकालिए, आपको भी कोई दिक्कत नहीं कि छेनी हथौड़ी चलानी है कुछ भी करना है, ये बस इसको कसेंगे ना ऐसे ही निकल आएगा ये, बस आराम से ही। ये देखिए आराम से निकल रहा है, बिल्कुल प्यार से निकलेगा, बड़ी ही आसानी से। एक और पुलर है, मैं अगर दूसरी वीडियो आपको बनाऊंगा ना तो उसमें दिखा दूंगा, ऐसा नहीं है, अब जिसका काम कर रहे थे मुझे ध्यान नहीं रहा तो मैं वो भी आपको दिखा देता, कोई नहीं। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं आपको ऐसी ऐसी नॉलेज दे दूंगा बहुत अच्छी अच्छी अरे ये तो बहुत ही जाम है यार, क्या करें, अरे ये तो कैसे भी नहीं खुल रहा है। चलो देखते हैं इसमें W40 डाल के, और भी मैं सोच रहा हूँ बैरिंग बची जाए तो बची जाए कस्टमर का, क्योंकि नया बैरिंग उसने डलवाया है, उसने बताया कि भैया मैंने नए बैरिंग डलवाए हैं दोनों। ये देखिए अब उससे कह भी नहीं, अरे खुलेगा कि नहीं भाई, खुल जा भाई, नहीं खुलेगा क्या, अरे कुछ तो बोल भाई, नहीं अरे इसने तो यार मेरा मजाक बना दिया। चलो इसमें फिर से W40 डालते हैं और देखते हैं, मैं खोल तो दूंगा इसको, और ये खुल भी चुका है, जब वो हंस रहे थे तभी मैंने खोल दिया था। ये देखिए मैंने फ्री भी कर दिया, ये देखिए बिल्कुल न्यू बैरिंग है ये, और बढ़िया से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और अपन अब इसी में ग्रीस भर के इसको फिट करेंगे, थोड़ा सा ये गंदे हाथ हो जाते हैं, लेकिन ये है कि आप हर चीज़ की रिपेयरिंग करेंगे ना तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, दुनिया के किसी कोने में आप बैठ के
ये काम कर सकते हो। और इसका कोई कंपटीशन नहीं है भाई मेरे, कहीं भी किसी भी गली में खोल लोगे काम आपके पास आएगा। ठीक है, अभी पंखे का सीजन चलने वाला है, बहुत पंखे कूलर सारी चीज़ें आएंगी, प्लस एलईडी बल्ब भी। मेरे पास तो एलईडी बल्ब का भी बहुत काम है, अब आपको करना होगा ना। मैं एलईडी बल्ब की ऐसी ऐसी वीडियो आपको दूंगा कि मेरे पास मतलब, और हम ये कोई मेरा सेटअप नहीं है भाई, मेरी दुकान ही है, मैं लाइव वीडियो बनाता हूँ। ये मैंने साइड में कैमरा मतलब अपना फ़ोन ही लगा रखा भाई, कैमरा तो नहीं है, इतना बड़ा मैं भी नहीं हूँ। और ये मैंने लगा रखा कैमरा, मतलब फ़ोन का ही, सॉरी फ़ोन का ही कैमरा लगा रखा है, और उसी से वीडियो शूट हो रही है, अपने आप मैं काम कर रहा हूँ, इसमें तीसरा व्यक्ति कोई नहीं है। ये देखिए, ये देखिए सर, बैरिंग बिल्कुल ओके हो चुकी है, बिल्कुल क्लियर तरीके से। और अभी जो मैंने थंबनेल में दिखाया था ना, वो भी ट्रिक मैं आपको दिखा दूंगा, क्या थी वो ट्रिक, ऐसा कुछ सीक्रेट नहीं है, लेकिन ये है। हाँ, कुछ लोगों को पता है, कुछ को नहीं भी पता है। ये देखिए, बैरिंग को आराम से बैठाएंगे, चारों तरफ से ठोक के धीरे धीरे ठोकना है, ये नहीं कि हथौड़ी दबा दब बजा दी, प्यार से धर के ठोकना है। ये देखिए पूरा बैठ गया आराम से, ये देखिए, ठीक है। और इसके अंदर से ग्रीस आप साफ कर लेना, क्योंकि ना ये अंदर ग्रीस लगा रहता है तो इसकी सापट चिकनी हो जाती है फिर। ये दोनों ही मैंने टापे तैयार कर लिए, और अब आई है बारी हमारे ट्रिक की, कि ट्रिक क्या थी। ये देखिए, ये भी टापा तैयार है मेरा, ये भी तैयार है ग्रीस करके, बिल्कुल फ्री घूम रहे हैं दोनों बेहतरीन तरीके से। अभी देखिए, ये आ गई हमारी ट्रिक जो मैं बता रहा था। ये जो वाशर घिसा हुआ है ना, ऐसा वाशर भाई मेरे पास तो नहीं है, मेरे पास तो ये आपको अभी मैं दिखाऊंगा क्या है एक्चुअल में, और उसी से ही ये पंखा बेहतरीन हो जाएगा। अभी मैं फॉल्ट दिखा देता हूँ। ये देखिए, स्टेटर और रोल, ये जो रोटर है इसके यहाँ पे मतलब गहराई में ये इसके बराबर नहीं बैठता है। ये देखो मेरा नाखून है, इतना अंदर जा रहा है। अब तीसरा पर्सन है नहीं ना, मैं आपको वीडियो जूम करके दिखा देता, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए, वो अंदर जा रहा था, अभी इसे बाहर निकालेंगे और मैं अपनी ट्रिक बताऊंगा कि क्या, कैसे उसको रोटर और स्टेटर को बिल्कुल बराबर रखा जाए। अगर ऊपर नीचे है तो उसको बराबर किया जा सकता है, और इससे ही आपके फ़ैन की स्पीड भी बढ़ जाएगी, क्योंकि रोटर और स्टेटर जब बराबर घूमेगा तो अच्छी मैग्नेट बनाएगा और अच्छे से चलेगा वो। ये देखिए, ये मैंने इसका तार काटा, एल्युमिनियम का जो केबल होती है अपनी डोरी, उसी का तार काट लिया और इसका एक वाशर बना लिया है, इसके अंदर इसके साइज से काट के बना लिया। अब इसको लॉक कर देंगे अच्छे से वहीं पे, ये मैंने लॉक कर दिया। अगर ज़्यादा गैप है तो इसके दो तीन राउंड भी बना सकते हैं, ये ट्रिक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर पंखा नीचे ऊपर होगा तो वो स्पीड नहीं देगा, अब ये प्रॉपर स्पीड देगा, मैं आपको बैठा के दिखाता हूँ। ये देखिए, जुगाड़ है भाई, क्या दिक्कत है, वो मिस्त्री इंडिया में है ही क्या, मिस्त्री के पास जुगाड़ ही तो है, बहुत चीज़ें जुगाड़ से ही चल जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, ये बैठा दिया, ये ओके हो गया। ये देखिए, अब इसके बिल्कुल बराबर है, ये बिल्कुल उसके रोटर और स्टेटर बिल्कुल बराबर घूम रहा है। इसको ऐसे अच्छे से दबा लेंगे और बस, ये अभी फ्री नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल फ्री हो जाएगा अभी, जब नीचे वाला टापा और ऊपर वाला टापा लगाएंगे ना अच्छे से, तब ये है। दोस्तों, मैं साइड में एक निशान लगा लेता हूँ हल्का सा, और ताकि पंखा बैठाने में कभी कोई दिक्कत ना हो। अगर उस जगह पे ही आप बैठाओगे ना, तो अगर बॉडी थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी है तो वो एडजस्ट हो जाएगी। एक और देखिए सर, ये ऐसे करके हम स्प्रिंग धरते हैं, गिर जाती है, तो इसका एक मेरे पास सलूशन है, फिर धरी फिर गिर गई, नीचे हम जब लगाएंगे तो इधर उधर हो जाएगी, तो इसका एक सलूशन है। ये देखिए, प्लास है मेरे पास, इससे दबा के इसको स्प्रिंग को, और इसमें आराम से चढ़ा लेंगे, टाइट हो जाएगी, फिर ये ना गिरेगी ना कुछ। अब गिर के दिखा तेरी बस की हो तो। ये देखो, सॉरी दोस्तों, वो थोड़ी सी भाषा का यूज हो जाता है कभी कभी। ये देखिए, ऐसे करके दबा दिया, ओके, मेरा फ़ैन बिल्कुल सेट हो गया है। और मैं अभी एक और चीज़ बताता हूँ आपको, मैं जिस तरीके से सेट करता हूँ आपका पता नहीं मुझे, लेकिन मैं एक ये तरीका यूज़ करता हूँ, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, फ़ैन बंद करने का, ताकि कई लोग कहते हैं ना फ़ैन बंद करते करते वो जाम हो जाता है जैसे ही नट कसते हैं। देखिए, मैं ये तीनों नट कस के और फिर
इनको जब ओवर टाइट करूँगा, मतलब टाइट करूँगा फुल तरीके से, तब ये देखना मैं क्या बताता हूँ आपको। ये मेरा एक तरीका है थोड़ा सा, और आपके ये हर फैन में यूज कर सकते हो, कोई इसी में नहीं, हर फैन में यूज हो सकता है ये। ये देखिए तीनों बोल्ट मैंने हाथ से पहले टाइट कर दिए, पूरी बॉडी चिपक गई। ये देखिए फैन बिल्कुल बेहतरीन तरीके से घूम रहा है दोस्तों, ये देखिए कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए, ये ट्रिक मैं बता रहा था आपको, एक और ये ट्रिक मेरी है पंखा बंद करने की। नट को टाइट करते रहिए और इसको स्टेटर को घुमाते रहिए। ये देखिए जहाँ भी आपका नट टाइट करे और स्टेटर ना घूमे, तो वहाँ से ही समझ लो सेटिंग गड़बड़ा। अभी ये देखिए बेहतरीन तरीके से घूम रहा, कभी कोई दिक्कत ही नहीं हुई। एक ही बार में फ़ैन फिट हो जाता है, और कई लोग परेशान हो जाते हैं। और दोस्तों ये मैंने वीडियो थोड़ी लंबी हो रही थी तो मैंने कनेक्शन कर लिए हैं, और ऐसा कोई साइंस ट्रिक नहीं है। जो रिपेयर करता है उसे सब मालूम है कि कहाँ पर कौन सा तार लगता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं ये चेक करा देता हूँ आपको। ये देखिए मेरे पास सीरीज है, और ये देखिए मेरी सीरीज की चिमटी है। ये देखिए बेहतरीन तरीके से फुल स्पीड में पंखा चल रहा है दोस्तों। दोस्तों ये देखिए हो गया पंखा रिपेयर, कुछ भी नहीं था, आराम से आप अपने घर पे कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और आगे मेरे साथ बने रहिए, मज़ा आएगा दोस्तों। धन्यवाद, और बताइए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।